हे hey, नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल इंटर जगत में। आप सब देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल इंटर जगत। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आप लोग के लिए कि फॉल्स सीलिंग का मेजरमेंट कैसे करें। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, मेरे पास एक ब्लूप्रिंट है और इसका एक मैं वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसी साइट का मैं आपको एक वीडियो क्लिप में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम लोग फॉल्स सीलिंग का मेजरमेंट करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप उम्मीद करता हूं कि आप पूरा समझ पाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, लिंक नीचे है इंस्टाग्राम पर। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है आप उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए साइट पर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि आप एक फॉल्स सीलिंग मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं। अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं या फिर आप हाउस ओनर हैं या फिर आप एक स्टूडेंट, अगर आप देखना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको वीडियो में लिए चलता हूं। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो मैं यहां पे बताने वाला हूं आप लोगों को कि सीलिंग का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। ये सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसको अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो आप भी सीलिंग का मेजरमेंट आराम से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि सीलिंग का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको देखना है यहां पे जो आप देख रहे हैं, आपका अगर हाई सीलिंग है, जैसे ये आपका मेन सीलिंग हाई सीलिंग हो गया, अगर आपका रूम का साइज 12 फीट बाई 10 फीट का है तो ये हाई सीलिंग हो गया आपका, मतलब 12 × 10 = 120 स्क्वायर फीट यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। अब जो मेन होता है, जो नीचे वाला जो ट्रे होता है, वो ट्रे या फिर मिडिल में अगर कोई डिजाइन है तो उसको मेजरमेंट करना मेन होता है। तो मेनली हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं ये आपका 18 इंच है और ये वाला जो आप लंबाई देख रहे हैं ये मेरा 12 फीट का है। तो 12 × 1.5 ये एक मेजरमेंट हो गया, 12 × 1.5 इसको आपको कैलकुलेशन करना है। उसके बाद आपके अंदर में एक वर्टिकल होता है और बाहर में एक वर्टिकल होता है, मतलब एक साइड ट्रे में दो वर्टिकल होता है, एक परफा और एक अंदर वाला गार्ड वाल जिसको आप बोल सकते हैं। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि पूरा ये वॉल तक नहीं जाएगा क्योंकि इधर से भी मेरा ट्रे है और इधर से भी ट्रे है, तो ये 18 इंची और वो 18 इंची माइनस होगा। तो माइनस होने के बाद ये लंबाई जो है 9 फीट मेरा बचेगा। अगर 12 फीट का रूम है, जितना का ट्रे करेंगे वो दोनों साइड से माइनस हो जाएगा, तो माइनस मेरा 18 इंची माइनस हुआ तो यहाँ पे 9 फुट मेरा बचता है। 9 फुट बचने के बाद 9 × 2 मतलब 9 और 9 18 आरएफटी आपका हो गया, तो 18 एक यूनिट हो गया आपका। उसके बाद 12 × 1.5 ये आपका एक यूनिट हो गया। फिर अपोजिट साइड में भी आपका वही होगा, ये साइड में आपका वही होगा। तो ऐसे करके आप रूम का मेजरमेंट बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। फिर भी मैं थोड़ा आपको स्केच करके बता देता हूँ, यहाँ पे भी प्रैक्टिकल मैंने आपको दिखा दिया कि आप रूम मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं। तो अगर थोड़ा सा भी आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा या फिर जानकारी वाला लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो चलिए मैं आपको पेन कॉपी में दिखा देता हूँ कि इसको फाइनल मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो अभी यहाँ पे जो मैं वीडियो में लेके आया हूँ, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ सिर्फ सीलिंग का मेजरमेंट कैसे निकालना है, जो कि मैंने आपको वीडियो क्लिप में भी बताया। तो मान लो ये जो लंबाई आप देख रहे हैं मेरा, ये यहां से लेकर यहां तक, ये वॉल से वॉल तक, मतलब ये वाला जो टोटल है मेरा, ये टोटल 12 फीट है, ठीक है, ये 12 फीट है मेरा, और ये वाला जो मेरा है वॉल टू वॉल ये मेरा 10 फीट है। ओके, तो अभी हम लोग इसका कैलकुलेशन जो करेंगे, हमारा रूम का साइज है, रूम साइज है मेरा 12 × 10। ओके, तो मेरा जो 12 × 10 का है ये तो मेरा हाई सीलिंग हम लोग कर ही रहे हैं, रूम में पूरा हाई सीलिंग हमारा हो ही रहा है, तो हाई सीलिंग मेरा हो गया 120 स्क्वायर फीट, ठीक है। अब उसके बाद जो मेरा ट्रे साइज होगा, आप जो देख रहे हैं यहां पे 12 फीट और इधर का 12 फीट, मतलब दोनों आपका 24 फीट हो गया। तो मैं आपको सिंगल सिंगल करके समझाता हूं ताकि आपको समझ में आए। तो ये 12 और जो मेरा ये चौड़ाई है ट्रे का, ये ट्रे का चौड़ाई है मेरा 18 इंची, मतलब 1.5 फीट। ओके, तो अभी हम लोग जो दीवार की तरफ से पकड़ेंगे 12 × 1.5, ठीक है, ये वन साइड हो गया और ये दो साइड हो गया दूसरा साइड, फिर ये 12 × 1.5 ऐसे आप कर दिए। अभी जो है, जो मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था, इसके अंदर का एक गार्ड वॉल होता है और एक परफा होता है जो कि यहाँ पे 2.5 इंच का है और ये अंदर का 5 इंच का होता है, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग 12 फीट और इधर का 12 फीट, लेकिन आपको ये यहाँ पे ध्यान देना है कि जो हमारा वर्टिकल और गार्ड वॉल होता है ये यहीं तक होता है, मतलब ट्रे तक का ही होता है, जहां से आपका ट्रे स्टार्ट होता है वहीं तक होता है, ये पूरा 12 फीट तक नहीं होता है। तो ये 18 इंची और इधर से 18 इंची माइनस होता है, तो मेरा यहाँ पे 9 फुट बचता है। तो 9 × 1 आपको 9 × 2 वन साइड का
और 9 into 2 वन साइड का, ये हो गया, ये हो गया आपका एक साइड का, हाई सीलिंग का यहां पे निकल गया। अभी ये मेरा 18 हो गया, ये मेरा 18 हो गया, ये 18 RFT हो गया और ये 18 RFT हो गया। ओके, ये हो गया मेरा एक साइड का। अब सेम साइड जो है मेरा, मान लो ये जो मेरा 10 फीट था, जब ये 18 इंची यहां से माइनस होगा और ये 18 इंची इधर से माइनस होगा, तो मेरा जगह बचेगा इधर से इधर तक, ये मेरा जगह बचेगा 7 फीट, ठीक है, इधर भी मेरा 7 फीट बचेगा ये हाइट में, तो दोनों साइड में 7 फीट होगा। तो मेरा फिर से यहां से मेरा अलग होगा 7 into 1.5 ये साइड का ट्रे, ये ट्रे है, ये ध्यान रखिएगा, ये ट्रे का मैं बता रहा हूं, ये भी मैं ट्रे का बताया था, साइड ट्रे का। ओके, तो ये 7 into 0.5 ये आपका हो गया इंटू टू आप कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों साइड है तो हम लोग दोनों साइड ही करते हैं यहां पे। तो मेरा यहां पे हो जाएगा 21 स्क्वायर फीट हो जाएगा ये वाला। अभी मेरा ये गार्ड वॉल एक यहां पे एक इधर, तो उस साइड भी दो होगा, इस साइड भी दो होगा, तो हम इसको एक ही बार में यहां पे आपको दिखा दे रहे हैं। तो यहां पे जो मेरा गार्ड वॉल होगा वो 7 फीट में ही होगा, क्योंकि इधर मेरा ये माइनस हो चुका है, तो ये गार्ड वॉल मेरा यहीं से स्टार्ट होता है 7 फीट ही। तो यहां पे 7 into 2 into 2, क्योंकि इस साइड भी और उस साइड भी दो है, इस साइड भी दो है, तो मेरा हो गया टोटल 28 RFT, ठीक है। तो अभी जो मेरा टोटल स्क्वायर फीट और RFT जो निकला, ये आपका ये निकला, अभी सॉलिड स्क्वायर फीट एरिया जो निकलेगा, ये यहां पे निकलेगा 120, ये हो गया 18 18 36 ये वाला, ये और यहां पे मेरा 21, ये हो गया मेरा प्लेन सीलिंग, ये स्क्वायर फीट में होगा, ठीक है। तो यहां पे 177 हो गया मेरा स्क्वायर फीट। इसका कॉस्ट अलग होता है, और इसका कॉस्ट जो रनिंग पिन में मेरा निकला है 28 और ये 36 जो आप देख रहे हैं, ये 36 और 28 जो आप देख रहे हैं, ये मेरा निकलेगा 64 RFT। इसका कॉस्ट आप अलग भी ले सकते हैं, और इसका कॉस्ट जो हम बताए थे आपको 70 रुपीज पर स्क्वायर फीट, और इसका कॉस्ट आप कभी कभी कोई कॉन्ट्रेक्टर या फिर कुछ भी 50-40 ऐसा ले सकते हैं। ऐसे आप यहां पे मेजरमेंट कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने वीडियो में भी दिखाया था, यहां पर भी मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में, मैंने आपको बताया और दिखाया भी कि फॉल्स सीलिंग का मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं। और रही बात, अगर आपका मिडिल में कुछ भी ऐसा डिजाइन होता है, राउंड होता है, स्क्वायर होता है, उसको भी आप ऐसे मेजरमेंट करके कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, फॉल्स सीलिंग का मेजरमेंट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन है आप उसको प्रेस कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। घर पर रहिएगा, सेफ रहिएगा। बाय बाय।